Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss laws related to gases. जिनमें से फर्स्ट है बोयल्स लॉ. 1662 में बोयल ने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर. वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप बताया. तो जब हम दो वेरिएबल से डील करते हैं, तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है. वॉल्यूम और प्रेशर से डील करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम और टेम्परेचर से करेंगे तब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. ये लॉ डिस्क्राइब करता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. इसका मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो करते हैं. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर. यानी कि इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूज होता है. वी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर पी. वी इज इक्वल टू के ओवर पी. अगर हम यहाँ पे k को फाइंड आउट करना चाहें तो p दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. पी वी इज इक्वल टू k. लेट्स सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, p को इंक्रीज करके p2 कर देते हैं. इनिशियल प्रेशर था p1, p2 अब हो गया फाइनल प्रेशर. p को इंक्रीज करके p2 कर दिया तब वॉल्यूम v1 डिक्रीज होके v2 हो जाएगा. जबकि इनका कांस्टेंट ये हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. सो हम कह सकते हैं p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2. दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. जब भी बात की गई है कि गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस का मतलब है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने अमाउंट ऑफ द गैस चेंज नहीं करनी है. जब पी को पी वन से इंक्रीज करके पी टू कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा वी वन से वी टू तक, अगर सेम अमाउंट ऑफ द गैस होगी और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा. पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डिफाइन करें और उसको ड्राइव करें. तो आप इस कंप्लीट को इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे. देन दूसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. आपने एक कंटेनर लिया, फर्स्ट किया ये कंटेनर है जिसमें कोई गैस फिल की गई है, उसका लिड मूवेबल है, उसके ऊपर आप प्रेशर रखते हैं 2 atm. वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1 dm³ है और प्रेशर आपने रखा 2 atm. P1V1 इज इक्वल टू k आएगा, 2 × 1 dm³, ये बनेगा 2 atm³. अगर आप प्रेशर को 2 times इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को 2 times इंक्रीज किया 4 बन गया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 0.5 dm³ हमारे पास वॉल्यूम हो गया. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करके 6 atm कर देते हैं तो वॉल्यूम 3 times रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 0.33 dm³. दोनों केस में P2V2 हमारे पास आया 2 × 0.5 इज इक्वल टू 2 atm³. अगर हम तीसरे एक्सपेरिमेंट में 6 को 0.33 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 2 atm³ की वैल्यू आएगी. फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हम प्रेशर को 4 times अगर इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 2 × 4, तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा 1/4 0.25 dm³. इसका k फाइंड आउट करेंगे. P4V4 इज इक्वल टू
8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डेसीमीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 0.2 atm डेसीमीटर क्यूब। हेंस प्रूव हुआ कि जितना आप ज्यादा प्रेशर इनहांस करते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा कि और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो न्यू बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन बनती है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। If you have any of the question, you can ask in comments. Thank you so much and Allah Hafiz.